शादी क्या बन जाए। मंगरू साग जब देखो तब कटा। जी अरे अरे नमस्ते ठाकुर। अरे नमस्कार नमस्कार प्रोफेसर साहब। ए भैया, अरे बिना मतलब चेताए अचानक मतलब कैसे ही अब दबिश दे दियो भाई। समझनो जी साथ में है, लगता है कोनो विशेष बात है। आओ 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 बिराजो, बताओ कैसे पधारो, पहले ही बताओ बैठो। ठाकुर साहब क्या है कि हमारी छोटी बेटी आरुषि की शादी तय हो गई। इसलिए हम आज सपरिवार आप सभी लोगों को उसकी सगाई में आमंत्रित करने के लिए आए हैं। अगर आप सब लोग हमारे घर पधारेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। टीका तू प्यार मोहब्बत वाली शादी है का? वैसे भी आजकल ये हवा बहुत ही चल रही है, तो क्या कहते हैं पढ़े लिखे लोगों का, एडवांस लोगों का जमाना। ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल ये शादी दोनों परिवारों की आपसी रजामंदी से ही हो रही है। हाँ, लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से जानते हैं, और शादी ब्याह में तो ये जरूरी भी होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे को जान लें। भाई बाकी की जिंदगी जो उन्हें साथ में गुजारनी होती है। सही कह रहे हैं। वैसे भी हमको तो आरुषियाई प्यार मोहब्बत वाली शादी करने की लाइन की ही लगती है। क्या करे ससुरा, उमरिया का दोष है, बस मन आकाश में ही घूमता रहता है। प्रतिज्ञा अंदर है क्या? प्रतिज्ञा ये घर की महारानी है, उनका पैर ये घर में टिकता नहीं है। और आप तो हमारे बाबा को जानती हैं, जब प्रतिज्ञा जी डुगडुगी बजाती हैं तो हमारा बाबा नाचने लगता है। प्रतिज्ञा महारानी अपने सेवक के साथ सैर सराटे पे टहलने निकली हैं। हमको तो बता के भी नहीं जाती हैं कि कहाँ जा रही हैं, कब आएंगी। अब लौट के आएंगी तो पता चल जाएगा। अरे मम्मी पापा आप लोग यहाँ कैसे? प्रणाम ससुर जी। कृष्णा बेटा, कल अमन और आरुषि की सगाई है, इसलिए तुम्हें अपने परिवार के सभी लोगों के साथ वहां आना है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हमरा तो पक्का नैना, लेकिन ये प्रतिज्ञा वहां जरूर पहुंच जाएगी। सिर्फ प्रतिज्ञा क्यों, तुम्हें भी आना है। अरे तुम्हें क्यों, पूरे परिवार को सगाई में शामिल होना है। अरे हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के बीच शामिल होगी है। अरे हम ठहरे अनपढ़ गवार,
ना हमको बात करने की कोनो तमीज, ना आप जैसी सभ्यता, क्या करेंगे? और दिल के बहुत साफ है ना। खुशी में बिना मुंह खोले तो रहा नहीं जाएगा, और मुंह खोला तो बेवजह नाराजगी हो जाएगी। मम्मी पापा, आप कृष्णा की बात का बुरा मत मानिएगा, अभी उनका मूड ठीक नहीं है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम सब समय से पहुंच जाएंगे और सगाई का कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो जाएगा। बैठे ना, बैठो। ठीक है फिर। ठाकुर साहब, आप हमारे समधी हैं, इसलिए आपका आना बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस शुभ अवसर पर आएं और हमारी बेटी को आशीर्वाद दें। कमल प्रोफेसर साहब भी बताओ, तुमको तो रजा अपने जात बिरादरी मिल गया होगा। ठाकुर साहब, लड़का हमारी जात का ही है। मिल भी चुके हैं आप, अमन माथुर नाम है। अरे अरे अरे, वो जो तुम्हारा जमानत ली रहा। हाँ हाँ, के कब बटवाए हो, क्या करते हो? ठाकुर साहब, लड़के के पिताजी भी नौकरी पेशा हैं, वो यहाँ के पुलिस विभाग में आईजी हैं। आईजी सर्वेश्वर दयाल मात ठाकुर साहब, आपने बिल्कुल सही पहचाना, वही है। प्रतिज्ञा बन जाए।